न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट एक आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर है वायरल। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हत्या का दावा किया जा रहा है। पोस्ट के जरिए सलमान खान को फिर धमकी दी गई है। न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो आपके सामने है ये पोस्ट किया गया है और देखिए इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है इस गैंग के जरिए हत्या का दावा किया जा रहा है। और बड़ी बात आपको बता देते हैं, पहले भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सलमान खान के ऊपर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी और उनकी जान को खतरा भी बताया गया था और इस पोस्ट के माध्यम से भी सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान की सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। सलमान खान यहां रहते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से जब ये पोस्ट वायरल हुआ है और बहुत ही करीबी थे सलमान खान के बाबा सिद्दीकी, जिसके बाद सलमान खान मिलने भी इनके परिजनों से जब जा रहे थे तब भी उनको वहां जाने से रोका गया। सलमान खान की जान को खतरा बताया जा रहा है। अब जो पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके जरिए भी आप कह सकते हैं खुले तौर पर सलमान खान को धमकी देने की बात सामने आ रही है और इसी वजह से सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम आया है शामिल। सामने आ रहा है लॉरेंस गैंग का बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम और लॉरेंस बिश्नोई से अब होगी इस पूरे मामले पर पूछताछ। साबरमती जेल में इस समय लॉरेंस बिश्नोई बंद है जिससे पूछताछ की जानी है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी साबरमती जेल जहां लॉरेंस बिश्नोई से की जानी है पूछताछ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जिसमें अब हर समय देखिए बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। यह आज का बड़ा अपडेट है। एक तो ये कि मर्डरर जो चार मर्डरर हैं उनमें दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरा ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस हत्याकांड में शामिल है। तीसरा ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हत्याकांड दावा जो किया जा रहा है उसका पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें सलमान खान को धमकी दी जाने की बात सामने आ रही है। ये पूरी खबर ये पूरा अपडेट विस्तार से हमारे सहयोगी शंकर आनंद देंगे जो कि इस समय दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। शंकर आनंद, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद हर एक समय अब हम देख रहे हैं नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। देखिए एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पीछे। अब जो है महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो साबरमती जेल जाने की तैयारी करने वाली है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए। बहरहाल आप आज के सारे अपडेट जो सामने आए हैं उस पर विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अब कई राज्यों की पुलिस एक्टिव हो गई है। अगर कई राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और गुजरात पुलिस भी अब इस मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ जिस तरह से कनेक्शन निकल के सामने आया है, अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दो ऐसे शूटर का नाम सामने आ रहा है जो इस हत्याकांड में शामिल थे। हालांकि एक की गिरफ्तारी हुई और दूसरा अभी फरार है। धर्मराज राजेश कृष्ण जो है वो उसकी गिरफ्तारी हुई है जो बहराइच का रहने वाला है। और इस मामले में जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है तो इस मामले में आगे की पूछताछ उससे की जा रही है कि किस तरह से उसको सुपारी दी गई और जिस तरह से इस हत्याकांड में उसकी जो भूमिका, इस बात को देखते हुए इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर बात करें जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफी समय से गुजरात स्थित साबरमती जेल में है और वहां पर रखा गया है, लेकिन उससे अब इस मामले में आगे पूछताछ होगी। क्या उसके गुर्गों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्या इस मामले की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को है या नहीं है। और इसके साथ ही जिस तरह से अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब इस मामले की आगे की पड़ताल करने के लिए वो मुंबई जाएगी और मुंबई जाने के साथ साथ एक टीम मुंबई जाएगी और दूसरी टीम जो है वो साबरमती जेल जाएगी जहां पर वहां पर लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि
उत्तर प्रदेश और हरियाणा कनेक्शन निकल के जिस तरह से बाहर आया है, तो ये मामला अब अपने आप में तफ्तीश का मसला है। और जिस तरह से एक आरोपी जो है वो हरियाणा का रहने वाला है, दो आरोपी मामला है ये शंकर आनंद, और ऐसे में देखिए अब आप ही जानकारी दे रहे हैं कि कई राज्यों की पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। और सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जो है वो अब साबरमती जेल जाने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शंकर आनंद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए इस हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। हत्याकांड में दो शूटर यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। शूटर शिव गौतम और धर्मराज कश्यप, ये दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं यूपी के, जबकि तीसरा शूटर जो है वो गुलमेर है, हरियाणा का ही रहने वाला है। चार शूटर इसमें शामिल है जो जानकारी मिल रही है, शूटर तीन, लेकिन इनको जानकारी देने वाले भी एक शख्स जो इस हत्याकांड में शामिल है, अब उसकी धरपकड़ के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता देते हैं कि मुंबई में एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता रहे और कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है कल यानी कि शनिवार देर शाम। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारी गई है जब वो अपने बेटे के दफ्तर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाथों हाथ दो बदमाशों को पकड़ लिया, तीसरे की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वो तीसरा गिरफ्तार शख्स भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी वारदात को तब अंजाम दिया गया जब शनिवार करीब 9:15 बजे अपने ऑफिस से निकल रहे थे बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी जो कि उनके बेटे हैं, अपने बेटे के साथ ही उसके दफ्तर के बाहर वो खड़े हुए थे। कार में सवार शूटर बहुत ही नजदीक से फायरिंग करते हैं, बाबा सिद्दीकी के सीने पर 3 राउंड गोली चलाई गई है जिसमें ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन अस्पताल उनको ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित किया है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। लखनऊ से इस समय ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, बहराइच से हमारे साथ अखिलेश कुमार इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं बहराइच जहां से अखिलेश हमें जानकारी देंगे। अखिलेश खड़े हैं इस समय उत्तर प्रदेश के जो दो हत्यारे हैं, बहराइच से ही ये दोनों हत्यारे हैं, उनके घर के बाहर से। अखिलेश इस समय का अपडेट आप दीजिए। इससे पहले जब आपसे चर्चा हुई थी तो आपने घर के लोगों से बातचीत की थी, तमाम उन सवालों को कंगालने की कोशिश की गई थी जो उनसे अब तक पुलिस ने किए हैं, लेकिन इस समय का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए सिद्दीकी बाबा हत्याकांड में यूपी पुलिस और बहराइच की पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। मैं इस वक्त जो मुंबई पुलिस हिरासत में जो धर्मराज कश्यप उसके घर पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ तैनात की गई है। बताया जा रहा है इनके जो परिजन हैं दोनों घर के, जो चूंकि दोनों जो शूटर हैं वो बहराइच के गंडारा गाँव के हैं, दोनों गाँव के जो परिजन हैं वो उनके परिजनों को पुलिस ने इंटरटेन किया है, उनको पुलिस लेके गई है थाने में, वहां पे आईबी के इंस्पेक्टर पूछताछ कर रहे हैं। भी जा रहा है कि उनके परिजनों से यह पूछताछ की जा रही है कि इसमें और लोग तो कहीं नहीं शामिल हैं, यह बड़ी आशंका जताई जा रही है। इसी के तहत दोनों लोगों के जो घर के परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसमें और लोग तो नहीं शामिल हैं। तो यह बड़ा डेवलपमेंट बहराइच में है और अभी यहां पुलिस तैनात है, दोनों घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मैं बता दूं कि इस समय सिद्दीकी बाबा हत्याकांड में जो धर्मराज कश्यप बहराइच का रहने वाला हो मुंबई पुलिस की हिरासत में है, एक हरियाणा का शूटर हिरासत में है। हालांकि जो वहां के पुलिस की पूछताछ में निकल के आया है कि जो शिवा गौतम है वो भी फरार है, हालांकि उसका भी नाम आ रहा है, उसके भी घर पे पुलिस तैनात है। तो अब दोनों परिवार के परिजनों को पुलिस ने इंटरटेन किया है और आईबी के इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर रहे हैं परिजनों से कि कहीं और उनके शामिल और ग्रुप में तो कोई लोग शामिल नहीं है। हालांकि दोनों के परिजनों ने यह भी बताया है कि उनको जानकारी नहीं मिली थी, जब पुलिस उनसे सुबह पूछताछ करने गई तभी उनको जानकारी हुई कि उनके लड़के ने ऐसा कांड किया है। हालांकि दोनों घरों के बैकग्राउंड की बात करें तो घर देखिए किस तरीके से बने हुए हैं, कोई माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे ही कमाने खाने वाले लोग हैं। बताया जो शिवा गौतम के परिजनों ने बताया कि वो पहले टेंट में काम करता था और पिछले 4 साल से मुंबई गया था, भंगार खरीदने का काम करता था, पैसा भी नहीं भेजता था। जब उसकी माँ कहती थी मुझे इलाज कराना है तब वो पैसा भेजता था। वही हाल धर्मराज कश्यप के घर का भी था। और धर्मराज कश्यप अपने 2 महीने पहले यहाँ घर से गया हुआ था मुंबई के लिए पुणे में, दोनों साथ में काम करते थे। धर्मराज कश्यप की माँ ने बताया कि वो पैसा नहीं भेजता। आपके पीछे जो इस समय हलचल है जिसमें हम देख सकते हैं घर के लोग हैं, पुलिस वाले भी आपके पीछे देखे जा सकते हैं, थोड़ी आप इनसे भी चर्चा कर सकते हैं। इस समय हम देख सकते हैं गाँव के जो लोग हैं चौतरफा इस घर को घेर के खड़े हैं क्योंकि इसी घर के एक हत्यारे ने बाबा सिद्दीकी की जान ली है। अखिल
अखिलेश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची है। बहरहाल चलते हैं आगे, लखनऊ चलते हैं जहां से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, बहुत बड़ा मामला है। देखिए आज के कई बड़े अपडेट सामने आए। पहला बड़ा अपडेट सामने यही आया कि दो मर्डरर यूपी के हैं। दूसरा, सलमान खान के घर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तीसरा, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें लिया जा रहा है, जिसके लिए मुंबई पुलिस जो है वो साबरमती जेल जाने वाली है लॉरेंस बिश्नोई से बात करने के लिए। लेकिन अब ये पूरी तस्वीर जब निकल कर आती है सामने, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। सियासी महकमों में अभी हलचल इसमें तब मचना शुरू हो जाएगी जब जैसे धीरे धीरे करके इस पूरे केस को इसमें और बड़े खुलासे होते जाएंगे। देखिए यहां पर अभी जो दो मुख्य हत्यारे जो हैं वो यूपी से जब निकलकर सामने आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है ऋषभमणि, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव है। तो क्या मान के चल सकते हैं कि अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में राजनीति पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने को मिलेगा? देखिए जाहिर सी बात है, जो सियासतदान हैं वो हर जगह अपना सियासी मकसद जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ लाइट मूड में मैं कहना चाहूं तो मार्च 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, तो सरकार और पुलिस खुद ये दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े अपराधी है, गैंगस्टर माफिया, उनका सफाया हो चुका है या जो बड़े बदमाश हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। तो कमोवेश उसी दावे पर मुहर लग रही है कि देखिए अगर ये बदमाश थे भी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, इन्होंने मुंबई में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये बहुत ही हल्के तौर पर इन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफी के साथ। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है वो मोडस ऑपरेंडी कहीं ना कहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही इशारा करती है। चूंकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, कुछ नए, कुछ गुमनाम, कुछ अनजान लोगों को वो शामिल करता है और बड़े बड़े जो हत्याकांड होते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें होते हैं, उसको अंजाम देते हैं। अभी पिछले साल की ही बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है, उसमें भी 3 शूटर्स जो मौके से ही गिरफ्तार होते हैं। तो अभी तक हालांकि पुलिस की तफ्तीश वहां तक नहीं पहुंच पाई है कि किसके कहने पर कैसे वो हत्याकांड हुआ था, लेकिन ये बात जरूर सामने आई थी कि तीनों ही लोग बहुत ही छुड़वइये किस्म के अपराधी थे, उन्होंने इससे इतना बड़ा अपराध पहले कभी नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है शक की सुई उस हत्याकांड में भी किसी बड़े अपराधी, किसी बड़े माफिया गैंगस्टर की ओर है कि किसने आखिरकार सुपारी देकर वो मर्डर करवाया था। कमोवेश ऐसा ही मामला मुंबई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी दिखाई देता है कि 3-4 गुमनाम से लड़के आते हैं जिनका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है और सरे शाम बाबा सिद्दीकी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। ये बात जाहिर हो गई है कि जो मौके से गिरफ्तार हुआ धर्मराज कश्यप, यूपी के बहराइच के थाना कैसरगंज के गंडारा गाँव का रहने वाला है, जो फरार नाम सामने आ रहा है शिव कुमार और शिवा गौतम का, वो भी उसी गाँव का रहने वाला है। जो बताया गया है कि शिवा गौतम बीते 5-6 साल से पुणे में रह रहा था, वहाँ कबाड़ का काम कर रहा था और 3-4 महीने पहले धर्मराज कश्यप घर से यही कह के गया था कि उसके पास जा रहा है, वहाँ कुछ काम धंधा करेगा। लेकिन ये लोग मुंबई कैसे पहुँचते, इतने बड़े हत्याकांड को कैसे अंजाम देते हैं, ये तमाम बातें अभी तफ्तीश का विषय है। ये तफ्तीश में यही जान लेते हैं। बहराइच से अखिलेश हमारे साथ जो इस समय लाइव मौजूद है, उनके साथ घर परिवार के लोग भी मौजूद हैं और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जिनसे वो चर्चा करके इन सवालों के जवाब ले सकते हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए इस हत्याकांड में जो बहराइच के तार जुड़े हैं उसमें, उसके बाद लगातार जो दो साथी अपराधी हैं बहराइच के, उनके घरों पे पुलिस तैनात है। मेरे साथ में इसमें अभिषेक जी हैं जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं, वो भी यहाँ तैनात है। उसके साथ में कई और भी लोग हैं जो उस घर की तरफ तैनात हैं। उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि क्या वजह रही, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उच्च अधिकारियों द्वारा, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं घरों को लेकर? घरों को लेकर यही दिया गया है कि यहाँ पे रहना है, निगरानी करनी है इन लोगों की, देखभाल करना है घर पे, कोई जैसे उनकी माता जी हैं, पिताजी हैं, कुछ वो बीमार भी है शायद, उसकी माँ हार्ट पेशेंट है, जो भी है बीमार है, तो यही सब यहीं रहने को बोला गया हम लोगों से। इस हत्याकांड को यूपी पुलिस, उसके बाद बहराइच पुलिस को कब जानकारी हुई, कब इनके घर पे आया गया कि ये हत्याकांड वहां हुआ, उनका नाम यहाँ के लोगों से जोड़ा गया, तो कैसे जानकारी कब हुई थी आप लोग को? अरे हम लोगों को रात में जानकारी हुई भाई, 12-1 बजे करीब। किसका फोन आया था? हमारे साहब बताए थे, साहब के पास जानकारी आई थी, फिर हम लोग आए थे यहाँ, इधर फोर्स भी आया था, तभी हम लोग आए इधर उधर देखे हैं। हालांकि घर पे कोई नहीं मिले, इनके भाई लोग जो भी मिले हैं वो चौकी बैठे हैं, पिताजी इनके हैं नहीं यहाँ पे, कहीं बाहर गए हैं शायद। तो कुछ बता रहे हैं लोग? अभी तो कुछ नहीं बता रहे हैं लोग, ये तो बता ही नहीं रहे कि पहले से कोई ऐसा रहा ऐसा है, यहाँ कोई जानकारी भी नहीं थी इन लोगों के बारे में इससे पहले। काफी गरीब लोग हैं, अब जो भी है, हम लोगों को इसी जानकारी नहीं थी पहले से।
अभिषेक जी का साफ कहना है कि जानकारी उच्च अधिकारियों से मिली थी, रात में ही जानकारी मिली थी, सुबह ही इनके परिजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इनके भाई ठीक जो है अखिलेश, बहुत कश्यप हैं शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही ऋषि मणि आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों